देश के पूर्वी इलाकों से ही नहीं बल्कि बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया के सरहदें पार कर नागपुर के रस्ते सड़ी और विदेशी सुपारी नागपुर पहुंचती है, ऐसा आरोप स्थानीय व्यापारियों की ओर से किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि देश के पूर्वी इलाकों से ही नहीं बल्कि बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया के सरहदें पार कर नागपुर के रास्ते सड़ी और विदेशी सुपारी नागपुर पहुंचती है, जिस पर किसी भी एजेंसी का कोई नियंत्रण नहीं है। नकली जीएसटी के बिल पर यह सड़ी और विदेशी सुपारी नागपुर पहुंचती है। शहर के अलग अलग इलाकों में बनी भट्टियों में इन पर सल्फर की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन पुलिस को कैसे इन ठिकानों का पता नहीं चलता है। दर्जन कोल्ड स्टोरेज और गोदामी में बिना बिल की तस्करी से लाई गई सड़ी विदेशी सुपारी रखी जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई या रोकथाम नहीं की जाती है। इन तस्करों को छोड़ पुलिस व्यापारी को परेशान करने में लगी है। खानापूर्ति की कार्रवाई भी हुई, लेकिन सड़ी सुपारी का गोरख धंधा आज भी बतर दूर जारी है, ऐसा भी व्यापारी का कहना है। आगे उन्होंने कहा कि सबको पता है इनके ठिकाने, लेकिन कार्रवाई होती है निर्दोष व्यापारियों पर। जोन पांच द्वारा की गई कार्रवाई से व्यापारियों में रोष और गुस्सा पनप रहा है। तस्करों को छोड़ पुलिस सामान्य व्यापारी को फिजूल परेशान करने में जुटी हुई है। भारतीय सुपारी है, खरीदी की बिल है, जीएसटी की बिल है, एक एक व्यापारी को सरोते से काट कर दिखाई गई है। ठोस और साफ सुथरी सुपारी है, विदेशी और सड़ी सुपारी खोखली पाई जाती है, उस पर अंकुश लगाने के बजाय पुलिस अपना धंधा सेट करने में लगी हुई है, ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है पार्टी इलाके में एक व्यापारी ने। कलकत्ता से आए हुए भारतीय सुपारी को ही पुलिस की टीम ने निशाना बनाया। व्यापारी ने गाड़ी में रखी हुई एक एक सुपारी काट काट कर दिखाई कि यहाँ पर भारतीय सुपारी है और सभी नियम का पालन कर व्यापार किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि पुलिस तस्करों के साथ है और उनके इशारों पर सीधे और निर्दोष व्यापारियों के पीछे पड़ी है। अगर पुलिस विभाग, अन्य और औषधि विभाग, जीएसटी, डीआरआई चाहे तो सड़ी और विदेशी सुपारी के गोरख धंधे पर एक ही दिन में ब्रेक लगाया जा सकता है, लेकिन साठगांठ है। तस्करों को छोड़ व्यापारी को परेशान करने की नियत हो वहाँ क्या किया जा सकता है। नागपुर में मेरी एक गाड़ी सुपारी से लदी हुई जो वैलिड ईवे बिल के साथ पक्के का माल और इंडियन माल, क्राइम ब्रांच वालों ने बिना मतलब रोक कर पूरे दिन हरासमेंट करा। ये लोग मेरी ऑफिस आए, मैं उनको ऑफिस में मिला। ये लोग मुझे साथ में लेके गए अपने पीआई राहुल सिरे सर के पास। राहुल सिरे सर ने कल रात में 8 बजे तक मुझे बैठाए रखा विदाउट किसी रीजन के, और आज भी सुबह 9 बजे से अननेसेसरी हरास किया जा रहा है। अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आया है, वो सैंपल लेके जा रहा है, जबकि मैडम जो है फूड सेफ्टी की, वो देखकर ही बोल रही है कि ये माल बहुत अच्छा है और इंडियन क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी ये लोग बिना मतलब हरास कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जेन्युइन बायर, जेन्युइन सप्लायर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज़।